हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन सो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके थे डेट वाज कंबन ऑफ रिएक्टिव मिक्सचर्स ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड मॉड्यूल डेट इज स्टीम जनरेटर्स एंड स्टीम टर्माइंस ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट steam generators which is also called as boilers okay so these topics we are going to cover today what is the steam generator or boiler what is the essential characteristics of a good boiler how the boilers are classified what are their principal parts what is the difference between fire tube boiler and water tube boiler and what are the factors affecting selection of boilers okay so these things we are going to see today the so first is what is a steam generator or boiler okay so as the name indicates boiler is nothing but it is a device which is used to generate the steam okay steam ko generate karne ke liye jo device hai usko bolte hain boiler but it should be a closed vessel and the pressure in which steam is generated should be higher than the atmospheric pressure so boiler or steam generator is a closed vessel in which water is converted into steam at high pressure than the atmospheric pressure okay and for converting water into steam we require heat input And that heat input is obtained by burning of the fuel. Okay, that fuel can either be coal or some gas or some or diesel oil also. Okay, so it can be either in solid form, liquid form, or gaseous form. Okay, now the steam produced in the boiler may, can be used. Why we produce steam in the boiler? Because we want to produce power. Okay, or apart from producing power, steam has some other uses also, like industrial purposes or for heating purposes. Okay, for for heating over the buildings also. इन द कोल्ड कंट्रीज वी यूज दिस स्टीम ओके स्टीम के बिल्डिंग में से पाइप वगैरह में से उसको कूल cool स्टीम के और बिल्डिंग के पाइप वगैरह में से हाई टेम्परेचर स्टीम पास करते हैं जिसकी वजह से बिल्डिंग को हम थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन कर सके इन द कोल्ड रीजन ठीक है इंडस्ट्रियल परपजेज purpose, में भी वाइस प्रोसेस में इसका यूज हो सकता है फॉर एक्जाम्पल फॉर मैनुफेक्चरिंग ऑफ द वाटर गैस ठीक है उसमें हम क्या बोलते हैं एपसेंस ऑफ एयर कोल को बंद करते हैं और उसमें स्टीम कोल को कोल के ऊपर स्टीम पास करते हैं ताकि हमारा वाटर गैस फॉर्म हो उसके अलावा हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन इन इन एयर कंडीशनिंग पर हम स्टीम पास करते हैं तो उससे हीटिंग ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है हीटिंग भी होता है वाटर वेपर भी एड होता है एयर में और उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है अगर हाई टेम्परेचर ठीक है हाई टेम्परेचर पर सप्लाई करेंगे तो स्टीम सो फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल वी कैन ऑल्सो यूज अपार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग पावर ओके Now, when at one atmospheric pressure one gram of water is converted into steam, then its volume will become 1671 centimeter cube. Okay, what is the volume of one gram of water? As per the density, it should be one centimeter cube. Thicke? Because density of water is one gram per centimeter cube or one kg per meter cube, I can say. Okay, so this may, sorry, 1000 kg per meter cube or वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देर फोर इसका जो वॉल्यूम रहता है वन ग्राम ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना रहेगा वन सेंटीमीटर क्यूब ठीक है अब इसको हम जब हम कन्वर्ट कर देते हैं वेपर में तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है सॉरी सेंटीमीटर क्यूब ठीक है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है सेम अमाउंट ऑफ सेम मास ऑफ वाटर का वाई बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इज वेरी लेस एज टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वाटर ओके तो ऐसे केस में क्या होगा जब हम एंटर तो स्मॉल अमाउंट में में वाटर वाटर को स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फिल किए बॉयलर के के अंदर जब पर वो स्टीम कन्वर्ट होने बाद लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है वो लार्ज ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा तो क्या होगा पूरा का पूरा बॉयलर का शेल जो है वो उसको अकोमोडेट कर लेगा वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगा बट क्योंकि बॉयलर क्लोज वैसल हो रहा है तो उसको एक्सपांड होने की जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा फिर वहां पर प्रेशराइज आएगा तो उसकी वजह से प्रेशर उसका बढ़ जाएगा ठीक है अब ये तो बात हो गई एकदम इनिशियल की जब एट दी स्टार्टिंग ऑफ द बॉयलर जब हमने किए अब हमारा एक्चुअली पावर जनरेशन प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है ठीक है है नीचे से, नीचे से से वाटर है, वो स्टीम में, स्टीम में कन्वर्ट होगा ऊपर बाहर जाती है थ्रू दी पाइपलाइन थ्रू दी नोजल टू दी टर्बाइन ठीक है नोजल और टर्बाइन के थ्रू नोजल के थ्रू बॉयलर से निकल के वो टर्बाइन में चले जाते हैं स्टीम और ताकि टर्बाइन को हम रोटेट कर सके और वहां पे पावर आउटपुट मिले बाय कपलिंग इट विद द जनरेटर और अल्टरनेटर ठीक है तो ये प्रोसेस एक्चुअली कंटिन्यूस रहती है ठीक है तो हम स्टार्टिंग का छोड़ दें अगर, अगर अपन स्टार्टिंग या साइकिल को जो कंटिन्यूस प्रोसेस में जब ऑपरेट करें तो ऑलमोस्ट एक कॉन्स्टेंट प्रेशर अचीव हो जाता है यहाँ पे सो ऑल द हीटिंग प्रोसेस इन बॉयलर टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ओके बिकॉज कंटिन्यूअसली यहाँ से फीड वाटर का प्रेशर इधर से आएगा और ऊपर से स्टीम निकलेगी तो उसका प्रेशर रिलीज होता जाएगा तो ऑलमोस्ट एक कॉन्स्टेंट प्रेशर वेसल के अंदर मेंटेन हो जाता है सो हीट एडिशन इन द बॉयलर टेक्स प्लेस एट दस्टेंट प्रेशर एंड द ऑपरेटिंग प्रेशर

हम लिक्विड या गैस या फिर सिंपली हम बोले फ्लूड फ्लूड को हम स्टोर करते हैं okay. जैसे फॉर एग्जाम्पल एलपीजी सिलेंडर इज अग्जाम्पल ऑफ अ प्रेशर वेसर इन साइड इन साइड अवर होम द एल पीजी सिलेंडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर वेसर सो बॉयलर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्पेशल ओके सो बेसिकली आई कैन से नहीं बोल सकते तो वो हम यहाँ पे वो यहाँ पे तीन पॉइंट है जिनको हम जिस कंडीशन में हम प्रेशर वेसल को बॉयलर नहीं बोल पाएंगे अगर कोई प्रेशर वेसल है जिसकी कैपेसिटी पच्चीस लीटर से कम रहेगी ठीक है तो बॉयलर की एक सर्टेन कैपेसिटी है कि मिनिमम ट्वेंटी फाइव लीटर्स उसकी कैपेसिटी होना चाहिए उसका जो वॉल्यूम है अंदर का ठीक है

प्रेशर विच इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वेयर प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए कौन सा प्रेशर वर्किंग प्रेशर भी और डिजाइन गेज प्रेशर भी अब डिजाइन गेज प्रेशर क्या रहता है? हम इसको डिजाइन करते हैं कि फॉर सेफली ऑपरेटिंग ऑफ द बॉयलर कितने प्रेशर तक वर्क कर सकता है उसके सारे मटेरियल कितना स्ट्रेस वगैरह एग्जर्ट कर सकते हैं ठीक है बिकॉज हमने पता है प्रेशर वैसल में को बर्दाश्त करने के लिए कितना प्रेशर सिगमा इज इक्वल टू पीडी बाई फोर टी फॉर लॉन्जिट्यूनल स्ट्रेस एंड पीडी बाई टू टी फॉर सरकमशियल और सर्टेन प्रेशर एक डिजाइन क्या हुआ रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफकोर्स ठीक है और उस डिजाइन गेज प्रेशर से भी हम सर्टेन लोअर लिमिट पे उसको ऑपरेट करते हैं pressure, है? जिस पे हम ऑपरेट करते हैं नाउ इन विच और कौन से प्रेशर वेसल को हम बॉयलर नहीं बोल सकते जिसमें हम वाटर हीट हीटिंग तो हो रहा है बट उसका टेम्परेचर हंड्रेड से कम है ठीक है तो मतलब बेसिकली इसमें वाटर बॉय ही नहीं हो रहा है बॉयल ही नहीं हो रहा तो उसको बॉयलर क्यों बोलेंगे सिंपली उसको क्या बोलेंगे अपन प्रेशर वेसल ठीक है सो बेसिकली ऑल बॉयलर्स आर प्रेशर वेसल बट ऑल प्रेशर वेसल्स आर नॉट ए बॉयलर वी कैन से बॉयलर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ

तो कोई भी एक मशीन के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि वो कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे हमको इनपुट कम से कम लगे और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले सो इट शुड जनरेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टीम विथ मिनिमम कंजम्पशन ऑफ फ्यूल सो इन बॉयलर द आउटपुट इज अमाउंट ऑफ स्टीम एंड द इनपुट इज अमाउंट ऑफ फ्यूल ठीक है तो फ्यूल को कंज्यूम करके हमको स्टीम मिल रही है ठीक है तो इफ़ आवर इनपुट इज फ्यूल एंड आउटपुट इज स्टीम सो ए गुड बॉयलर शुड जनरेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टीम विथ मिनिमम कंजम्पशन ऑफ फ्यूल ठीक है उसके बाद मशीन का क्या है? एक और अच्छी चीज होना चाहिए वो बंद और चालू आसानी से होना चाहिए तो शुड स्टार्ट एंड स्टॉप क्विकली एंड इट्स उसके कॉस्ट क्या बोलते हैं मशीन का कम होना चाहिए मशीन का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होना चाहिए उसको जितना इनिशियल कॉस्ट परचेजिंग कॉस्ट भी कम होना चाहिए और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होना चाहिए ज्यादा मेंटेनेंस नहीं होना चाहिए उसमें इट्स इलेक्शन टाइम शुड बी लेस एंड इट्स पार्ट्स शुड बी इजिली डिसमेंटेबल ठीक है अब जैसे हैं अपना

साइट पे इंस्टॉल करने पे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए और आसानी से होना चाहिए ठीक है उसके बाद क्या है इसमें जो भी हम कंट्रोल्स और सेफ्टी यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द स्टीम एट दोप्रिएट टेम्परेचर एंड प्रेशर एज पर आवर रिक्वायरमेंट तो उसके लिए जो भी हम कंट्रोल ऑपरेटर्स और सेफ्टी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं कंट्रोल का के लिए आउटपुट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्टीम को मेनटेन uh, करने के लिए उसको हम कंट्रोल चीजें कंट्रोल

एक स्टीम और स्टीम और, और फ्लू गैसेस के सॉरी वाटर और फ्लू गैसेस के बीच में जो हीट ट्रांसफर रेट है उसमें अच्छा होना चाहिए अच्छे बॉयलर में और कम्बशन एफिशियंसी भी उसमें अच्छी होना चाहिए ठीक है मतलब कम फ्यूल को बंद करने पर ज़्यादा एनर्जी मिलना चाहिए ऐसे कम्बशन एफिशिएंसी जैसे हमने देखे थे फर्स्ट मॉड्यूल में कि कम्बशन पूरा एफिशिएंट नहीं होता है एक्सेस फ्यूल सप्लाई करने के बाद भी हमको इनकम्प्लीट कम्बशन मिलता है तो वो सब चीज़ें कंबशन एफिशिएंसी में काउंट होती है तो वो भी अच्छी होना चाहिए और इट शुड भी एबल टू अकोमोडेट लोड वेरिएशन ठीक है मतलब हमारा पावर रिक्वायरमेंट क्या है हम पावर जनरेट तो कर रहे हैं है कभी ज्यादा लगता है पावर ठीक है पर आवर ऑन इफ ठीक है तो सपोज ठीक है, है, है? है तो कितना हमको स्टीम जनरेशन रेट चाहिए हिसाब तो से हम उसके हिसाब से बॉयलर एडजस्ट हो जाना चाहिए ठीक है तो उसमें हमको लोड जो वेरिएशन के हिसाब से हम

Uh, सभी बॉयलर में सारी चीजें मिलेंगी ऐसा जरूरी नहीं ठीक है कुछ चीजें कुछ में मिलेगी कुछ में नहीं मिलेगी कुछ बॉयलर में अटेंशन ज्यादा देना पड़ता है कुछ में कम देना पड़ता है ऐसी चीजें हो सकती है हमारी इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट करेक्टर्स ऑफ गुड बॉयलर ठीक है सारी चीजें सारी कररेक्टर्स एक ही बॉयलर में नहीं मिलेंगी हमको ठीक है ना तो कोई भी अच्छा बॉयलर किसको बोलेंगे जिसमें मेंटेनेंस कम लग रहा है और जिसको अटेंशन ज्यादा देने की जरूरत नहीं है ठीक है एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो उसके भी पार्ट्स बने उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होना चाहिए और अच्छा खासा उनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कंसीडरेशन करना है क्योंकि बिकॉज देर इज अ रिस्क ऑफ रिस्क ऑफ डेंजर देर इज रिस्क टू द्यूमन ऑल्सो एंड टू द प्रॉपर्टी इन इफ केस बॉयलर इज बर्स ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स ओके और उसमें जो मर्ड डिपॉजिट होता है वाटर जब ड्रम के अंदर जाते हैं तो पानी के जो ड्रम के नीचे पानी की वजह से कीचड़ जैसा एक जम जाता है मर्ड डिपॉजिट होता है तो वो कम से कम नहीं होना चाहिए अब नहीं तो होगा ऐसा तो नहीं होता आइडियली तो मतलब कम से कम होना चाहिए ऐसा बोल सकते हैं और साथ ही साथ जब वाटर को फ्यूल अनबर्न फ्यूल अगर फ्लू गैसेज में है तो क्या बोलते हैं वह सूट पार्टिकल्स तो मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स के फॉर्म में वो फ्लू गैसेस के साथ चले जाता है तो उसको सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल रहता है जिसको हम सूट बोलते हैं तो वो चीज़ डिपॉजिट नहीं होना चाहिए कहीं पर भी ट्यूब्स वगैरह में और स्केल किसको बोलते हैं जैसे हाई टेम्परेचर पे अगर वाटर जो है हम जिसका टीडीएस लिमिट ज्यादा है तो उसके सॉल्ट की क्वान्टिटी उसमें ज्यादा है या फिर थोड़ी भी है उसमें कॉन्टिन्यू क्या होता है इसको जब हाई टेम्परेचर पे होता है तो वाटर उसमें से सॉल्ट वो छोड़ देता है पानी ठीक है तो सॉल्ट पानी सॉल्ट को पानी छोड़ने के बाद क्या होता है कि वो जो सॉल्ट जो है वो ट्यूब्स में डिपॉजिट हो जाता है और स्केल फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है जैसे अपने घरों में भी जो बर्तन रहते हैं अपन देखे होंगे ऑब्जर्व किए होंगे जो वाटर अगर बॉइल करते हैं उसमें तो उसमें एक वाइट कलर की लेयर फॉर्मेशन होती है डेट लेयर इज कॉल्ड इज नथिंग बट स्केल तो उसमें कम नहीं होना चाहिए अब नहीं होगा ऐसा तो होगा नहीं आइडियली तो कम से कम होना चाहिए हम ऐसा बोल सकते हैं और उसको स्केल को रिमूव करने के लिए सम केमिकल्स सम करते हैं ठीक है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए नहीं तो फिर क्या होगा ओवर हीटिंग होता है, स्केल अगर हो है तो ओवर हीटिंग हो सकता है और जो ट्यूब हो सकता है तो इसका भी हमको रेगुलर रेगुलर ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का भी एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉयलर शुड बी एक्सेसिबल फॉर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन जितने भी पार्ट्स हैं वो एक्सेसिबल होना चाहिए कोई भी एक बॉयलर ऑपरेटर है या जो बॉयलर मेंटेनेंस कर रहा है वो सभी पार्ट्स को एक्सेस हो जाना चाहिए उसके उसके हद में रहना चाहिए कि वो यहाँ तक रीच उसके आउट ऑफ रीच कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए ताकि उसको इंस्पेक्ट कर सके और अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम है तो उसको या तो रिपेयर कर सके या फिर रिप्लेस कर सके पार्ट को एंड इट शुड साथ ना वट इज आई बी आर इट इज नथिंग बट इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट ओके सो एक्चुअली दिस इज एन ट्वेंटी वन पेजेज रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट अबाउट दी बॉयर्स आई बी आर एक्ट में ठीक है तो इसमें क्या 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 इसके मेन पॉइंट्स पॉइंट बता रहा हूँ शॉर्ट में तीन चार पॉइंट जैसे कि इसमें कोई भी अगर बॉयलर कहीं पर भी इंस्टॉल करना है इंडस्ट्री वगैरह में तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है और उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है ऐसे ही कोई भी इंडस्ट्री में बॉयलर आप नहीं इंस्टॉल कर सकते विदाउट परमिशन ओके अदरवाइज इट विल बी इ तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से और वहां पे जो चीफ चीफ बॉयलर इंस्पेक्टर रहता है उसके उसके, उसके उससे अप्रूवल के बाद जब हम क्या बोलते हैं ये लेते हैं रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसमें एक प्रेशर हमारा डिसाइड कर लेते हैं कि वुड बी द डिजाइन मैक्सिमम और ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ द बॉयलर ठीक है तो जो भी प्रेशर रहता है हमको पहले ही डिसाइड करना रहता है कि हम इससे ज्यादा इस वर्किंग प्रेशर पे वो इस बॉयलर को ऑपरेट नहीं करेंगे ठीक है तो वो पहले से ही फिक्स करना रहता है हमको बिकॉज uh, जो भी बॉयलर फेज होते हैं डेट ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑनली तो जो भी वर्किंग प्रेशर उसका बॉयलर का पहले से ही डिसाइड करना पड़ता है इसमें और किसी भी कंडीशन में जो बॉयलर ऑपरेटर है उसको उस प्रेशर के अभाव उसको नहीं रन करना है ठीक ठीक है। है। है है अब किसी ने run किया कोई कोई भी के वजह से से अगर कर करता है और कुछ हो जाता है, तो मतलब उसने रूल को वायलेट किया एंड लॉस हुआ प्रॉपर्टी का या फिर कुछ ह्यूमन लाइफ का भी इंडस्ट्री जो वर्कर्स हैं उनको उनको लाइफ लॉस हो सकती है तो फिर आप पे कार्रवाई भी होगी जो भी बॉयलर ऑपरेटर है और उसमें और, और साथ ही साथ उसको अगर उसमें पनिशमेंट भी मिल सकती है विद फाइन ठीक है तो दे आर लाइबल टू सस्पेक्शन एज एज वेल फॉर पनिशमेंट इफ कुछ इस तरीके से अगर कोई भी आई बी आर एक्ट के रूल्स को ब्रेक करता है तो ठीक है और उसके अलावा अगर जैसे एक्सीडेंट होता है जब भी अगर बॉयलर का कुछ एक्सीडेंट होता है बाई चांस तो जो भी ऑनर रहता है बॉयलर का उसको ट्वेंटी फोर विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स अपना ट्वेंटी फोर आवर्स उसका पूरा क्यों एक्सीडेंट हुआ है क्या रीजन है उसके वजह से उसको उसको वो देना पड़ता है क्या बोलते हैं फुल डिटेल्स कॉज ऑफ एक्सीडेंट और एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के अंदर उसको सबमिट करना पड़ता है रिपोर्ट उसकी पूरी ठीक किस वजह से हुआ क्या हुआ करके ठीक है और ये जो जितने भी रूल्स है आई के वो इट इज सब्जेक्ट टू चेंज डिपेंडिंग अपॉन द सेंट्रल बोर्ड विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो सेंट्रल बोर्ड जो भी है बॉयलर का उसके विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करने की उनके पास अथॉरिटी होती है तो वो कुछ रूल्स को सर्टेन चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर हमको अपने अपने बॉयलर में सर्टेन चेंजेस करना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से वो रूल्स को अगेन फॉलो करना पड़ेगा नए रूल्स को ठीक है सो दिस दिस वाज अबाउट द आई बी आर एक्ट एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड बॉयलर्स तो नेक्स्ट थिंग वी हैव इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स सो

एक हीट एक्सचेंजर की तरह जो हीट एक्सचेंजर रहे हैं तो है हमारा तो उसमें क्या होता है नॉर्मली एक मेटल बाउंड्री होती है ठीक है जैसे है कि अगर रिक्यूपरेटर टाइप का हम यूज कर रहे हैं जनरेटर तो पे नॉर्मली क्या रहेगी एक मेटल बाउंड्री तो मेटल बाउंड्री रहेगा मतलब ट्यूब्स रहेंगे उसके अंदर अब ट्यूब्स है तो या तो ट्यूब के अंदर से हम फ्लू गैसेस को फ्लो करवा सकते हैं या वाटर को फ्लो करा सकते हैं और अगर ट्यूब के अंदर से वाटर को फ्लो कराएं और सराउंडिंग में उसके फ्लू गैसेस रहे ट्यूब के अंदर और सराउंडिंग फ्लू गैसेज से ट्यूब के थ्रू वाटर में हीट एंटर हो रही है और उसके सराउंडिंग वाटर है और फ्लू गैसेज से हीट थ्रू दी ट्यूब बाहर जा रही है टू दी वाटर सराउंडिंग वाटर वुड बी कॉल्ड एज फायर ट्यूब बॉयलर ओके और नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द वॉटर सर्कुलेशन अरेंजमेंट ठीक है अब वाटर को हमको सर्कुलेट करना कराना पड़ता है अगर फायर ट्यूब बॉयलर है तो क्या होगा पूरी जो बाहर की बॉयलर की हाउसिंग है ट्यूब में तो फायर रहेगा बट बाहर के हाउसिंग में क्या रहेगा हमारे पास वाटर रहेगा तो उस वाटर को सर्कुलेट कराना है हमको जो भी है ठीक है क्योंकि वहां पे जो अंदर नॉर्मली जो लिक्विड है जो नया फ्रेश चार्ज फीड पंप से एंटर हुआ है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा और जो तो, जब कंटिन्यूस प्रोसेस में ऑपरेट होगा बॉयलर तो जो ऊपर में नॉर्मली ड्यू टू लेसर डेंसिटी बॉयलर शेल के अपर पार्ट में जो रहता है वो स्टीम रहता है लोअर पार्ट में लिक्विड रहता है अब जैसे जैसे लिक्विड कन्वर्ट होते जाता है लिक्विड की लेयर्स नीचे से हीट होते जाती है वैसे वैसे क्या होता है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है और ऊपर जाते जाते, जाते हैं फिर कोल्ड लिक्विड नीचे आता है तो इस तरीके से सर्कुलेशन होता है जिस तरीके से हमने हीट ट्रांसफर में नेचुरल नेचुरल कन्वेक्शन वाला टॉपिक पढ़े थे वही है वही नेचुरल कन्वेक्शन ही है बेसिकली यहाँ पे तो अगर जो वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है इज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस देन वी से टाइप ऑफ बॉयलर इज नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर और अगर हम यूजिंग सर्टिन पंप ठीक है नॉर्मली वॉटर लिक्विड है तो ब्लोअर वगैरह तो यूज नहीं होगा

एक अगर एक पावर अगर एक पावर प्लांट में हम पावर प्रोड्यूस करने के लिए बॉयलर को यूज कर रहे हैं तो वहां का प्लांट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट इलेक्ट्रिसिटी का अलग प्लांट रहेगा और एक बॉयलर का प्लांट रहेगा ठीक है मतलब सब प्लांट के अंदर सब प्लांट्स रहेंगे ठीक है तो वहां पे हम जब पावर जनरेशन के लिए डेडिकेटली बॉयलर को यूज करना है तो फिर वो स्टेशनरी एक फिक्स लोकेशन पे ही बॉयलर को बनाना पड़ेगा फिर उसको डेट वुड नॉट बी मूवेबल तो उसको बोलेंगे हम स्टेशनरी बॉयलर फिर एक लोअर कैपेसिटी के बॉयलर हो सकते हैं जो कि हम साइट्स में फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम फॉर वेरियस केमिकल्स फॉर वेरियस प्रोसेस हम यूज करें तो उसको बोल सकते हैं पोर्टेबल बॉयलर तो उसको ताकि हम डिसेंबल करके असेंबल कर सके ईजिली और जो नॉर्मली लो कैपेसिटी के रहते हैं और साइट में स्टीम प्रोड्यूस कोई भी साइट है जहाँ पर स्टीम की जरूरत है हमको वहां पर हमको स्टीम जनरेट करा तो डेट टाइप ऑफ बॉयलर मे बी इज कॉल्ड एस पोर्टेबल बॉयलर अगर हम स्टीम इंजन जो कि पहले ट्रेनों में पहले ट्रेन में रहते थे उसमें लोकोमोटिव

इसमें एंटर हुई किसमें बॉयलर के शेल के अंदर तब उसको बोलेंगे एक्सटर्नली बॉयलर ओके ना अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ स्टीम जनरेटेड ओके मतलब कितने ऑपरेटिंग प्रेशर स्टीम जनरेटेड मतलब ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है स्टीम का उसके हिसाब से भी हम बॉयलर को क्लासीफाई कर सकते हैं तो अगर उसका प्रेशर 15 टू 20 बार है तो उसको बोलेंगे लो प्रेशर अगर 20 टू 80 बार है तो हाई प्रेशर और ग्रेटर देन 80 बार है तो सॉरी तो, 20 टू 80 है तो मीडियम प्रेशर बॉयलर और अगर एटी बार से उसका प्रेशर ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हाई प्रेशर बॉयलर ठीक है ना सब क्रिटिकल बॉयलर एंड सुपर क्रिटिकल बॉयलर ये भी एक चीज होती है तो सब क्रिटिकल बॉयलर बोले किसको बोलेंगे जिसमें प्रेशर जो है वो लेस देन टू ट्वेंटी है, ठीक है एंड सुपर क्रिटिकल बॉयलर में प्रेशर ग्रेटर देन बार Now, बार इज इज दिस दिस एक्चुअली क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वॉटर ठीक है क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वॉर किसको बोलते हैं जहां पर जिस जिस प्रेशर पे वाटर को जब हम हीट करते हैं तो डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट होता है स्टीम में डायरेक्टली इट फ्लैशेज टू स्टीम यानी कोई लिक्विड प्लस वेपर फेज ऐसा कुछ बनता नहीं है डायरेक्टली जो है वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है एंड इट्स प्रेशर वैल्यू इज टू बार ठीक है जैसे कि यहाँ पे एक है मैं बता भी देता हूँ अभी आगे की स्लाइड में वैसा डायग्राम है कुछ ठीक है ये साइकिल में तो ये जो है डायग्राम में ऊपर डोम दिख रहा है डोम जैसा तो लेफ्ट डोम का जो पीक पॉइंट है पीक पॉइंट का लेफ्ट वाला जो बोलते हैं हम सेचुरटेड लिक्विड लाइन और राइट वाले पार्ट को बोलते हैं वेपर लाइन ठीक है तो ये जो प्रेशर है दिस पिंक वाली लाइन जो है पिंक वाली लाइन वो रिप्रेजेंट करिए कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन ठीक है बिकॉज दिस इज बिकॉजरेचर वर्सेज डायग्राम तो पिंक वाली लाइन को अगर ऊपर बढ़ाते जाए ऊपर बढ़ाते जाए तो ये जो पोर्शन है डोम के नीचे वाला जो कि पिंक वाली लाइन जो कि डोम के अंदर में है उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट जोन बोल सकते हैं जिसमें लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन हो रहा है बाय बाय सप्लाइंग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ठीक है तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे कम होते जाता है और एक पॉइंट ऐसा आएगा क्रिटिकल पॉइंट जहां पर कोई भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमको सप्लाई करने की जरूरत नहीं है मतलब लिक्विड टू वेपर फेस चेंज होने के लिए कोई हीट की जरूरत नहीं डायरेक्टली जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एट सर्टेन प्रेशर दैट सर्टेन प्रेशर इज बट क्रिटिकल प्रेशर विच इज टू ट्वेंटी सो दिस इज सुपर क्रिटिकल प्रेशर और कोई बॉयलर इसके इससे ज्यादा प्रेशर पे ऑपरेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल और इससे कम में हो रहा है तो सब क्रिटिकल बॉयलर ठीक है ना अकॉर्डिंग टू चार्ज इन द फरनेस तो फर्नेस में फ्यूल किस तरीके से हम प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर चार्ज मतलब फ्यूल या फिर दोनों किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड होता है उसके हिसाब से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं ब्रॉयर को तो फर्स्ट वन इज पल्यूराइज फ्यूल तो पल्वराइज फ्यूल में क्या होता है कि कम्बशन चेंबर में एयर तो रहती है पहले से और उसमें एयर सप्लाई करते हैं कहीं से और फ्यूल को जो है हम पहले ही पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके एक बर्निंग एक नोजल से नोजल के थ्रू उसको स्प्रे करते हैं स्मॉल सॉलिड पार्टिकल को एक बर्निंग नोजल के थ्रू स्प्रे करते हैं एयर में ताकि और फिर इसका कंबेशन हो जाता है ठीक है एयर का तो उसमें एयर फ्यूल मिक्स होकर कम्बेशन होता है तो उसको बोलते हैं पल्वराइज फ्यूल बाई पल्वराइज मीन कोल इन पाउडर फॉर्म ना चार्ज तो चार्ज मतलब engine, engine. तो इसमें क्या करते हैं एयर चाहिए तो कंप्रेसर में, कंप्रेसर में जिससे इस, क्या होता है कम वॉल्यूम में ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर एंटर हो जाए ठीक है जितने ज्यादा जितने अमाउंट में एयर एंटर होगी उतना ही हमको चांसेस है कि कंप्लीट कंबस होगी तो हम ज्यादा अमाउंट में एयर फ्लो हो अंदर एट पर

अब हम यहाँ पे फोर्स कन्वेक्शन कहते हैं एयर को किसी तरीके से फ्लो कराना नेचुरली तो होता नहीं पंप के थ्रो तो फोर्स कन्वेक्शन है तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द रिनोल्ड नंबर तो रिनोल्ड रिनोल्ड नंबर में क्या होता है डेंसिटी रो वी एलसी वाई तो जितना ज्यादा एयर की जितना भी डेंसिटी रहेगी उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर कोफिशियंट रहेगा तो रो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो तो इस वजह से डेंसिटी बढ़ाने की वजह से हीट ट्रांसफर कोफिशियंट भी बढ़ जाता है हमारा। ठीक है थर्ड टाइप ऑफ बॉयलर इज फ्लोशन बॉयलर दिस इज एक्चुअली वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन केस इन पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ठीक है जो कि हमारा प, हमारा पावर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है पावर प्लांट नहीं है अपना ठीक है बट फिर भी एक ब्रीफ ऐसी बता देता हूँ मैं और इसका अपना इसमें नहीं आता कुछ तो फ्लूडाइज बेड में मतलब क्या होता है कि फ्लूडाइज मतलब रहता है एक्चुअली सॉलिड पार्टिकल है फ्यूल का बट वो फ्यूल फ्लूड की तरह एक्ट करता है तो उसको हम बोलेंगे फ्लूडाइज बेड कम्बन बॉयलर इसको एक्चुअली समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम है मैं उसको ज्यादा डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा मैंने पीपीटी में भी इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि सिलेबस में नहीं है कुछ इस तरीके से रहता है फ्रूडाइज बेड कम्बन बॉयलर तो इसमें क्या होता है कोल और लाइम को जो हमें ऐड करते हैं किसके अंदर कोल पहले उस, कोल और लाइम का मिक्सचर फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर उसको फीड करते हैं एक बॉयलर शेल के अंदर ठीक है अब यहाँ पर क्या रहता है यहाँ पर ऐसा वेरियस बेड रहता है बेड रहता है अरेंजमेंट जिसमें कोल लाइम और हो सकता है कोल में कुछ एच पार्टिकल भी हो और थोड़ा बहुत सैंड पार्टिकल्स रहता है उनको हम यहाँ पर एंटर करते हैं और ये जो कोल लाइम स्टोन सैंड पार्टिकल्स वगैरह जो हम एंटर हो रहे हैं उसको हम पहले ही यूजिंग सर्टेन प्रोसेस हम उसको हीट कर लेते हैं ठीक है तो हीटेड हीटेड फॉर्म में सॉरी तोरी हीटेड हीट करके सैंड को यहाँ पर पुट करते हैं ठीक है तो हीटेड फॉर्म में रहेगा सैंड अब ये कोल लाइम वगैरह को हम इसमें ऐड करते हैं बेड में अब क्या करते हैं अगर सैंड ऑलरेडी हीटेड है और इग्निशन टेम्परेचर किसी तरह अचीव कर लिया वो टेम्परेचर जो है वो सफिशियंट है कोल को इग्नाइट करने के लिए अगर सेंड का तो क्या होगा कोल बर्न होना स्टार्ट होगा अब यहाँ से क्या होगा वाटर इनलेट होगा और वाटर आउटलेट रहेगा स्टीम का तो यहां पे नीचे के रीजन में जो कोल बर्न होगा उसका कंबशन होगा तो हीट एनर्जी रिलीज करेगा और वो जो वाटर जो है वाटर का जो पाइप जो फ्लो हो रहा है वहां से हीट और हीट वाटर ले लेगा ले ले और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा अब इसको फ्लूडाइज क्यों बोल रहे हैं हम एक्चुअली ठीक है तो क्यों क्या होता है एक्चुअली हम यहाँ पे

जो फोर्स नीचे से लग रहा है एयर का वो उसके वेट से ज्यादा हो जाएगा पार्टिकल के और फिर पार्टिकल्स क्या होंगे ऊपर मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है और जब उनका टेम्परेचर ऑलरेडी सैंड में कॉन्टेक्ट आने के साथ हाई टेम्परेचर हो चुका था किसका कोल का तो बर्न होने लगेगा और फिर क्या होगा वो जब बर्न होने के साथ साथ ऊपर में पूरे पूरे जो का जो अंदर का जो चैम्बर है पूरा शेल जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा तो इट तो दिस सॉलिड पार्टिकल एक्स एज ए फ्यूल और एक्स सॉरी एक्स एज ए फ्लूड फ्लूड की तरह बिहेव करने मतलब पूरा पूरा गैस गैस की तरह जैसे पूरा एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है उस तरीके से और पूरा सस्पेंडेड पार्टिकल फॉर्म हो जाएगा और वहां पे विगोरस उसका मिक्सिंग होगा टर्बुलेंस क्रिएट होगा और कभी कभी इसमें बबल फॉर्मेशन भी हो जाता है अंदर इसमें इस तो इस टाइप के फेनोमेना को बोलते हैं फ्लूडाइजेशन एंड इफ दिस फेनोमेना इज यूटिलाइज इन द बॉयलर देन इट इज कॉल्ड एज बेड कम्बन बॉयलर और इसमें लाइम स्टोन यूज करने का रीजन ये कि वो जो कोल में जो भी सल्फर प्रेजेंट रहते हैं वो सल्फर जब सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हार्मुल एसओ टू तो उसको रिड्यूस करने के लिए उसको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए लाइम्स यूज होता है उसके सल्फर के साथ रिडेट करके प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म करके अलग कर सकते हैं उसको ठीक है और इसमें अगर जो एश पार्टिकल भी ऊपर जमा हो जाते हैं जो ऊपर ठीक है तब एशेज भी उड़ने लगेंगे ऑब्वियसली एयर के प्रेशर की वजह से तो फ्लू गैसेस में ना जाएगा तो इसको यहाँ पे फिर फ्लाई एश कलेक्टर से इसको नीचे ला के वापस इधर कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में जब बॉयलर ऑपरेट नहीं हो रहा तो यहाँ से ट्रे को निकाल के फ्लैश को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और फ्लू गैस जो है वो लो डेंसिटी होने की वजह से पाइप के थ्रू यहाँ पर बाहर चले जाएगा एग्जॉस्ट में ठीक है और बचा हुआ जो सस्पेंडेड एश पार्टिकल अब यहाँ पे जैसे ही चेम्बर में एड करेगा डस्ट कलेक्टर में तो वहां पे अब नीचे से एयर को कोई फोर्स नहीं मिला तो डस्ट जो एश पार्टिकल है नीचे डिपॉजिट हो जाएगा एंड फ्लू गैस ड्यू टू लोअर डेंसिटी ऊपर मूव होकर थ्रू दी द्रू दिस पाइप इट विल

ट्रांसफर बिटवीन फ्लू गैसेज एंड वाटर होती है जहाँ पे उसको बोलेंगे ड्रम ना वॉट इज सेटिंग सेटिंग इज एक्चुअली लाइक अ फाउंडेशन जो बॉयलर के ड्रम को और अदर एसेसरीज वगैरह को सपोर्ट करता है ठीक है पूरा एक स्ट्रक्चर रहता है फाउंडेशन जैसा जो उसको सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं हम सेटिंग ठीक है इसमें फायर ब्रिक्स वगैरह सब चीज़ रहती है उसके बाद रहता है ग्रेट ग्रेट क्या रहता है फर्नेस में जो ट्रेज रहते हैं जिसके ऊपर फ्यूल को हम रखते हैं उसको बोलते हैं हम ग्रेट ठीक है तो इसके जो ग्रेट का जो रहता है शेप नॉर्मली किस तरीके से रहता है एक मैट्रिक्स टाइप का रहता है अगर जैसे इसका मैं एग्जाम्पल अगर दूं तो अगर जैसे अपने कुछ कुछ रेलवे स्टेशन में एल्यूमिनियम की वो चेयर्स लगे रहती है बेंचेस लगे रहती है तो उसमें रॉड्स रहता है जिसके बीच में सर्टेन गैप्स रहता है ठीक है अब वो रॉड्स वो रॉड्स नॉर्मली नॉन सर्कुलर शेप की रहती है इसमें फर्नेस में तो उसके ऊपर जो नॉन सर्कुलर शेप है मतलब फ्लैट उसका ऊपर का सरफेस रहता है तो ताकि उसमें फ्यूल को हम फ्यूल के पार्टिकल्स को रख सके और नीचे से जो गेयर गैप रहता है बीच में बीच में जो, जो मैट्रिक्स जैसा है तो गैप रहता है उसमें से एयर नीचे से आती है तो जब एयर फ्लू क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं फ्यूल के कॉन्टेक्ट में आती है तो बर्न होती है वहाँ पे ठीक तो वहाँ पे कम्बर्शन होता है और फिर जब एयर और फ्लू का कम्बर्शन हो गया तो उसमें अगर एश पार्टिकल फॉर्म हुए मतलब ऐश जो रहता है कोल को बर्न करने के बाद जैसे राख निकलती है बाहर तो जो राख रहती है वो नीचे क्या बोलते हैं ग्रेड के नीचे एक अपना एश कलेक्टर रहता है या एश फीड बोलते हैं उसको तो वहाँ पर एश कलेक्ट होती है फिर उसको हम रिमूव कर सकते हैं ठीक है तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेट फर्नेस किसको बोलते हैं इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स विच इज विच इज यू यूज टू बर्न द फ्यूल उसको पार्ट को बोलते हैं हैव फ्लू एंड फ्लू गैसेस फ्लू गैसेस को बोलते हैं कंबशन करने पर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसको बोलते हैं फ्लू गैसेस और फ्लू गैसेस जो पाथ फॉलो करती हैं इसमें बॉयलर के अंदर जिस पार्थ से या फिर जिस पैसेज से फ्लो होती है तो उसको बोलते हैं फ्लू ठीक है नाउ हीटिंग सरफेस हीटिंग सरफेस इसको बोलेंगे हीटिंग सरफेस मतलब जो सरफेस बॉयलर का जो कि हॉट फ्लू गैसेस से और वाटर से एक्सपोज हो रहा है ठीक है मतलब इट इज इज अ सरफेस एक्टिंग एज ए मीडिएटर इन ऑर्डर टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस टू वाटर ठीक है तो जो मीडिएटर वाला जो सर्फेस है जो कि जो कि एक तरफ से वाटर से भी कॉन्टेक्ट में आ रहा है दूसरी तरफ से फ्लू गैस में भी कॉन्टेक्ट में आ रहा है डेट सर्फेस इज कॉल्ड एस हीटिंग सर्फेस नैन वी हैव स्टोकर स्टोकर्स मीन आप हम फ्यूल जो है उसमें उसके थ्रू स्टॉकर के थ्रू एंटर होता है बॉयलर में तो वहां पे स्टॉकर रहता है धीरे धीरे जैसे ऐसे रिक्वायरमेंट रहती है सर्टेन रेट से वहां से स्टॉकर से फ्यूल अंदर एंटर होते रहता है कंटिन्यूस ऑपरेशन के दौरान देन वी हैव वाटर वाटर वॉल वॉल इज जनरली ये कहां पे अरेंजमेंट रहता है वाटर ट्यूब बॉयलर्स में तो इट इज एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ बॉयलर विच इज नॉर्मली अरेंज इन द दिक्कजैग मैनर ठीक है अगर उसको थ्री डी में एज्यूम करें या फिर क्रॉस सेक्शन व्यू करें तो मैनर में नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ वाटर रहते हैं

स्मॉल डायमीटर के नंबर ऑफ ट्यूब्स यूज करते हैं ठीक है इन ऑर्डर टू इंक्रीज एरिया टू वॉल्यूम रेशो ठीक है ताकि एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतना इफेक्टिवली हीट ट्रांसफर होगा उस तो वजह से हम उस अरेंजमेंट को बोलते हैं वाटर वॉल देन वी हैव वाटर स्पेस स्पेस एंड स्टीम ये जो टर्म है यूज करते हैं हम फायर ट्यूब बॉयलर के लिए नॉर्मली तो फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है ट्यूब के अंदर फ्लू गैसेज फ्लो होती है और सराउंडिंग का जो पूरा बॉयलर का हाउसिंग है उसमें वाटर फ्लो होता है अब हाउसिंग में जो नॉर्मली नीचे जो रहता है नीचे वाला पार्ट वहां पे नॉर्मली क्या रहता है वाटर 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 रहता है है बिकॉज ड्यू टू हाई डेंसिटी विल विल सेटल इन द डाउनवर्ड और फिर क्या होता अपवर्ड अपवर्ड में क्या रहता है उसमें स्टीम रहता है स्टीम जो है कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है थ्रू द पाइपलाइन और थ्रू द नोजल टू द टर्बाइन और बॉयलर फीड पंप से वाटर एंटर होते जाता है नीचे से ठीक है तो जब स्टीम और वाटर में ऑब्वियसली वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर नीचे रहेगा और स्टीम ऊपर रहेगा बॉयलर शेल में तो जो स्पेस

लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं इन बॉयलर प्रेशर प्रेशर इज कॉल्ड एज वर्किंग देन वी हैव ठीक है अब इकोनोमाइजर uh, किसको बोलते हैं कि जिसमें अभी हम आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा इसको तो इकोनोमाइजर इसको बोलते हैं कि जो अगर हम फ्लू गैसेस की हीट को यूटिलाइज कर लें जो वाटर एंटर हो रहा है बॉयलर में एंटर होने से पहले आफ्टर पंप आफ्टर पंप एंड बिफोर एंटरिंग द बॉयलर मतलब आफ्टर लिविंग द पंप एंड बिफोर एंटरिंग द बॉयलर जो बीच में पैसेज है अगर वहां पर हम एक हीट एक्सचेंजर का इंतजाम कर ले वहां पे इसका अरेंजमेंट इस तरीके से प्रोवाइड करें कि जो फ्लू गैसेस की जो हीट है वो थोड़ी बहुत ये फीड वाटर रिकवरी कर ले तो उस उस हीट एक्सचेंजर को हम बोलेंगे इकोनोमाइजर इसका फायदा क्या है कि हमारा जो वाटर एंटर होता है बॉयलर में वो पहले ही सर्टेन टेम्परेचर तक हीट हो चुका रहता है क्योंकि फ्लू गैसेज तो नॉर्मली हम चिमनी के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं एटमोस्फेयर में तो वो तो यूज कुछ होने नहीं वाला है उसमें अगर हीट कैरी कर रहे हो तो अगर तो क्यों ना उसके हीट को रिकवर कर लिया जाए तो उसके अगर हीट को रिकवर कर ले तो उससे क्या होगा जो अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न करना है हमको इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्टीम उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं तो जो हीट एक्सचेंजर वेस्ट हीट रिकवरी के लिए यूज होता है इन ऑर्डर टू हीट फीड वाटर पंप फ्रॉम फ्लू यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ दियर फ्लू फ्लू गैसेज उसको बोलते हैं इकोनोमाइजर देन वी हैव एयर प्रीहीटर जो कि हमने अभी अभी देखे थे कहां पर बेड में प्री हीटर था तो वहां पर क्या होता था फ्लू गैसेज की हीट को कौन कौन यूटिलाइज करता था एयर जो कि कम्बशन चेंबर में एंटर हो रही है तो उससे भी तो उससे भी क्या होता है जो अपना आ, फ्यूल जो है इफेक्टिवली बर्न हो जाए बर्न हो जाएगा तो उससे भी थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है देन वी हैव सुपर हीटर ठीक है मतलब मतलब बॉयलर के अंदर स्टीम तो जनरेशन हो गया एट सर्टेन टेम्परेचर अब हम चाह रहे हैं

अब इसमें टीएस डायग्राम देखे तो इस तरीके से हीट एडिशन इन द बॉयलर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर थ्री टू फोर इज टर्बाइन में जो एक्सपांशन होता है और फोर टू वन इस कंडेंसर में जो कंडेंसेशन होता है वेपर टू लिक्विड कन्वर्जन बिकॉज पंप में हमको लिक्विड एंट्री ही होना चाहिए तो ये इस फर्दर प्रोसेस को टू टू थ्री जो प्रोसेस है वो बॉयलर के अंदर होती है तो ये हम इस यहां इस मॉड्यूल में पे फोकस करेंगे अपन इस टॉपिक टॉपिक में 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 मतलब स्टीम स्टीम बॉयलर वाले में. तब इसको भी अगर हम गौर से देखें तो तीन डिवाइड हो सकता है टू 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 डैश टू डैश टू थ्री डैश एंड थ्री टू थ्री तो हम क्या करते हैं पहले जो वाटर जो कि फीड वाटर पंप है उसमें सर्टन प्रेशर एड होता है कंडेंसर प्रेशर से थोड़ा ज्यादा प्रेशर मिलता है एंट्री होती है उसमें कंडेंसर प्रेशर से बट आउटलेट कितने में प्रेशर में होना चाहिए एट द बॉयलर प्रेशर तो उसमें प्रेशर हम कितना बढ़ाएंगे पंप में कंप्रेशन करके बाय फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू बॉयलर प्रेशर उसका प्रेशर बढ़ाएंगे अब उसका बॉयलर प्रेशर तक बढ़ गया उसका इसका प्रेशर वाटर का वॉटर का प्रेशर थोड़ा बढ़ गया फिर इसको क्या करेंगे हमको हीट करना है तो हमारा इकोनोमाइजर में कोशिश खो, ये रहती है कि जो भी हम वेस्ट हीट को रिकवरी कर रहे हैं यूजिंग द फ्लू गैस वो में हीट होकर एटलीस्ट सेचर तक टेम्परेचर तक वो हीट हो जाए सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट तक ठीक है यह तहत मतलब टू 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 डैश शुड बी द प्रोसेस इन साइडर ये हमारा एम रहता है अगर वेस्ट हीट रिकवरी पूरी नहीं हो पाई तो हो सकता है पूरा टू डैश तक नहीं पहुंच पाए और तो उससे थोड़ा कम भी हो सकता है फिर जब बॉयलर में के अंदर एंटर होता है वाटर तो क्या होगा उसका फेस होगा फ्रॉम लिक्विड टू वेपर तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा हीट लगेगी लेटेंट हीट सप्लाई करना पड़ेगा उसमें हमको ठीक है मतलब इन ऑर्डर टू फेज ऑफ द फ्रॉम फ्रॉम दू डैश टू डैश फ्रॉम लिक्विड टू वेपर ओके और फिर उसके बाद थ्री डैश टू थ्री वुड बी प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सुपर हीटर जहां पर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हम उसका टेम्परेचर सिंपली बढ़ा देंगे किसका सैचुरेटेड स्टीम का

अपवर्ड मूव होने के बाद वाटर ट्यूब के कॉन्टेक्ट में आएगा वाटर ट्यूब में वाटर कहाँ से आ रहा है फ्रॉम दी दिस बॉयलर शेल बॉयलर शेल में फीड वाटर पंप से पहले वाटर को फीड कर चुके रहेंगे फिर यहाँ से बॉयलर शेल से सॉरी बॉयलर शेल से ये ये वाटर ट्यूब के शेल में पानी आएगा पहले ये शेल से डिफरेंट ट्यूब में वाटर डिवाइड होगा और यहाँ पे क्योंकि इंक्लाइंड है तो यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है हायर हाइट टू लोअर हाइट ड्यू टू नेचुरल नेचुरल कनेक्शन ही फ्लो हो जाएगा नॉर्मली ठीक है इसमें कुछ एनर्जी अलग से नहीं लगेगी हायर हाइट टू लोअर हाइट आप नेट बीड इनरेट होगा तो इस तरीके से सा साइकिल और जो फ्लू गैस है उसको हीट देने के बाद फ्लू है चिमनी के थ्रू एटमोस्फेयर में बाहर चले जाएगी या फिर चाहे तो हम उसको वेस्ट रिकवरी भी कर सकते उसका चाहे तो ठीक है

वॉटर टू द स्टीम ठीक है अब यहाँ पे ये जो है दिख रहा है dash, dash, तो नीचे वाला वाटर है ऊपर जो दिख रहा है नाट इज एक्टीम अपन पार्ट में ड्यू टू तो लोअर डेंसिटी स्टीम रहेगा नॉर्मली और स्टीम फिर वहां से टर्बाइन के थ्रू बाहर से फ्लो हो जाएगा ये अभी अपन ने टू डी में एज्यूम की है अगर इसको थ्री डी में एज्यूम करेंगे तो दिस इज लाइक ए कॉन्सेंट्रेट पाइप जैसे आएगा यहाँ पे अरेंजमेंट एक्चुअली बाहर वाला पाइप नहीं है बाहर का एकदम हाउसिंग जैसा रहेगा ठीक है और फिर जो फायर ट्यूब है अपने हीट वॉटर को देने के बाद चिमनी के थ्रू बाहर चले जाके सो दिस आर द जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूबॉयर दॉट आर द डिफ्रेंस बिटवीन फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूबर इनके बीच में डिफ्रेंस क्या है तो काफी सारे डिफ्रेंसेस है वो भी हम एक एक करके देख लेते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस एन ऑबरें ट्यूबॉयर्स में क्या होता है ट्यूब रहती है ट्यूब रहती है और वाटर ट्यूब वॉयर में वाटर इन साइड द ट्यूब रहती है अब वाटर ट्यूब के इन साइड में तो बाहर ऑब्वियसली क्या रहेगा फ्लू गैसेज वाटर ट्यूब में और फायर ट्यूब में फ्लू गैसेज अंदर है तो बाहर क्या रहेगा वाटर

थिंग बट पी डी बाय टू टी ओके पी डी बाय टू टी स्ट्रेस अब कोई भी मटेरियल से बना है बॉयलर तो उसका सर्टेन स्ट्रेस ही वो बर्दाश्त कर पाएगा तो उस स्ट्रेस की वैल्यू किस पे डिपेंड करिए प्रेशर पे या डायमीटर पे ठीक है जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा स्ट्रेस जितना ज्यादा डायमीटर उतना ज्यादा स्ट्रेस और जितना ज्यादा थिकनेस उतना कम स्ट्रेस ठीक है अब मतलब प्रेशर और डायमीटर अगर दोनों ज्यादा रहेंगे तो स्ट्रेस भी ज्यादा डेवलप होगा किसमें बॉयलर में ठीक है अब वाटर ट्यूब बॉयलर में जो वाटर के ट्यूब है उनका डायमीटर कम है लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर है जिसमें वाटर्स पूरे बाहर हाउसिंग में है तो उसका डायमीटर जहां पर वाटर का प्रेशर एक्ट करेगा जो हाउसिंग है डेट डायमीटर इज वेरी लार्ज दैट इज डायमीटर ऑफ द ड्रम ठीक है तो ड्रम के कंपेरिजन में जो ट्यूब्स है उनका डायमीटर बहुत बहुत फर्क है इन दोनों के डायमीटर में ठीक है तो प्रेशर कहाँ ज्यादा स्ट्रेस कहाँ क्रिएट होगा? बॉयलर ड्रम में ज्यादा ऑब्वियसली क्रिएट होगा एज कम्पेयर टू द वॉटर ट्यूब ठीक है फॉर द सेम प्रेशर अगर बात करें अगर हम ठीक तो है अब यहाँ पे डायमीटर ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रेशर स्ट्रेस को बढ़ाने में तो अगर हम प्रेशर भी फायर ट्यूब में बहुत ज्यादा सप्लाई कर दे तो सिग्मा इज इक्वल टू तो पी डी बाई टी तो क्या होगा बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा फिर उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा थिक थिक मटेरियल यूज करना पड़ेगा बॉयलर शेल का जिसकी वजह से क्या होगा मटेरियल कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा तो इसलिए हम क्या इस वजह से हम फायर ट्यूब बॉयलर को कभी भी हाई प्रेशर हाई प्रेशर उसमें यूज नहीं कर सकते बिकॉज स्ट्रेस इंड्यूस वुड बी वेरी लार्ज इन केस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर सो इट इज नॉर्मली कन्वीनियंट टू ऑपरेट दी फायर ट्यूब बॉयलर एट अराउंड ट्वेंटी ऑन दी अदर हैंड वाटर ट्यूब बॉयलर कैन बी ऑपरेटेड अप टू

इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन ओके ऑफ हायर कैपेसिटी ऑल्सो फायर ट्यूबॉयलर रिक्वायर मोर फ्लोर एरिया फॉर ए गिवन आउटपुट ठीक है फ्लोर एरिया पर्टिकुलर आउटपुट फ्लोर एरिया ट्यूब बॉयर एंड सिंस एरिया ज्यादा लग रहा है उसको साइज मतलब ज्यादा है तो बल्कि हेवियर वेट है और उसको ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है फायर ट्यूबॉयलर को और वाटर ट्यूब बॉयलर कम फ्लोर एरिया रखते हैं तो लाइट इन वेट रहता है और आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट अगर जरूरत है तो हम कर सकते हैं कर सकते हैं चाहे तो बट नॉर्मली ऐसा हम नहीं करते वाटर ट्रांसपोर्ट क्योंकि मोस्टली डीज बॉयल आर यूज इन पावर जनरेशन और पावर जनरेशन में दूसरे प्लांट्स भी रहते हैं टर्बाइन वगैरह वो सब तो तो उसको नॉर्मली हम नहीं करते बट कर सकते हैं उसको इजिली लाइट इन्वेट रहते हैं अगर करना चाहें तो बट नॉर्मली नहीं, नहीं करते वाटर इट इज नॉर्मली स्टेशनरी बॉयलर ना वाटर डज नॉट सर्कुलेट इन डेफिनेट डायरेक्शन अब जो वाटर है फाइव टी बॉयलर में वो हाउसिंग के अंदर है ठीक है एक पर्टिकुलर ट्यूब से फ्लो नहीं हो रहा है पर्टिकुलर ट्यूब से फ्लो नहीं हो रहा नीचे वाटर है ऊपर स्टीम है तो कुछ एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं रहता वाटर को फ्लो होने का कई बार वो नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से भी अपने हिसाब से फ्लो होता है बट वाटर ट्यूब बॉयलर में क्योंकि ट्यूब से फ्लो हो रहा है वाटर तो उसका डेफिनेटली एक डायरेक्शन रहेगा फ्लो होने का जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखे थे इंक्लाइन ट्यूब से एक सर्टन डायरेक्शन में ही वाटर फ्लो हो रहा था ऑन द अदर हैंड उसमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहता किसमें वो फायर ट्यूब बॉयलर में वाटर के फ्लो होने का उसके अलावा कुछ और है डिफरेंस लोड फ्लक्चुएशन कैन नॉट बी हैंडल इन फायर ट्यूब बॉयलर वेदर वेयर एस इट कैन बी हैंडल इजिली इन इन केस ऑफ वाटर ट्यूब वॉयर्स ठीक है तो वाटर के क्वांटिटी को हम इजिली ट्यूब में से अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो हमको पंप का आ, हम बाय यूजिंग सर्टेन वॉल अरेंजमेंट हम उसके वाटर की क्वांटिटी को आ, वेरी कर सकते हैं तो उससे स्टीम जनरेशन रेट वेरी हो जाएगा तो मतलब जितनी हमारी पावर आउटपुट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको स्टीम सप्लाई करना पड़ेगा तो एज पर द फ्लक्चुएशन ऑफ लोड दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएशन इन द पावर आउटपुट रिक्वायरमेंट वी कैन इजिली हैंडल दी वॉटर ट्यूब बॉयलर एज कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर बिकॉज बर्न होने का फ्लू गैसेस के रेट को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल रहता है एज कम्पेयर टू कंट्रोलिंग फ्लो रेट ऑफ वाटर ओके तो इस वजह से ट्यूब बॉयलर इजिल हैंडल हो जाता है और फायर ट्यूबॉयलर सिंपल इन डिजाइन एंड ईजी टू इरेक्ट ठीक है क्योंकि उसमें नॉर्मली नंबर ऑफ ट्यूब बहुत कम रहते हैं और सिंपल डिजाइन रहता है फायर ट्यूबॉयलर्स का बट वाटर ट्यूबॉयर्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्टू इरे इट रिक्वायर्स हाई मेन्टेनेस कॉस्ट ठीक है और इसमें हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इसके लगता है क्योंकि जो ट्यूब के अंदर से वाटर फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है स्केल डिपॉजिट होता है तो उसका रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत है क्लीनिंग की जरूरत होती है बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स उसके अलावा उसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स बहुत ज्यादा रहते हैं उसके मेट्रिक्स रहता है वाटर ट्यूब्स का तो इस वजह से भी उसका डिजाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है और फायर ट्यूब बॉयलर का इनिशियल कॉस्ट कम रहता है बिकॉज नंबर ऑफ ट्यूब इज लेस बट ऑपरेटिंग कॉस्ट इज मोर ड्यू टू लेस पर पर यूनिट पावर जनरेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो But in water tube boilers, initial cost is very high due to arrangement of tubes and due to uh, due to use of the pump for circulating water through the tubes. So initial cost is very high, but operating cost is low as compared to fire tube boiler and due to high, higher efficiency with the economizer up to ninety okay. percent. So I am by here by efficiency. I am talking about boiler efficiency, not the steam turbine efficiency. Okay. You are boiler efficiency. Uh, fire tube mein drum size is large and प्रेशर की वजह से वाटर बाहर साइड में है तो प्रेशर की वजह से बॉयलर शेल बर्स्ट हुआ तो उसके हिसाब से डैमेज बहुत ज्यादा होगा बिकॉज हाई प्रेशर में स्टीम जो है सडनली बाहर निकलेगा इसमें और इसमें डैमेज कैसे होगा वाटर ट्यूब बॉयलर में प्रेशर कहाँ है फेल कोई भी बॉयलर प्रेशर के वजह से होगा प्रेशर किसका स्टीम के प्रेशर का वाटर ट्यूब में से हाई प्रेशर से अगर स्टीम बाहर निकल रहा है कोई वाटर ट्यूब बर्स भी हो रहा है तो पहले तो वो फायर से फायर के कांटेक्ट में आएगा बाहर और फिर उसके बाद वो बर्न उसके क्या बोलते हैं शॉयल को डैमेज करेगा तो ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि वहां पे डैमेज नहीं होगा होगा बट कंपेरेटिवली कम होगा और अगर एक पर्टिकुलर वाटर ट्यूब अगर डैमेज भी होता है तो उसको इजिली रिप्लेस कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं ठीक है अगर कुछ डैमेज होता है तो ट्यूब में अगर ड्यू टू ओवर हीटिंग डैमेज हुआ या बस्ट हुआ तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं डैमेज थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था अगर इफ पॉसिबल वी कैन रिपेयर इट ऑल्सो दैन ट्रीटमेंट ऑफ फीड वाटर इज नॉट एजेंशियल इन दिस केस बिकॉज वाटर बाहर से फ्लो हो रहा है ट्यूब के अंदर से फ्लो नहीं हो रहा है तो उसमें स्केल वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा बट थोड़ा बहुत हो सकता है बॉयलर शेल में बट वो इजिली अपन ऑपरेटेबल है बट बॉयलर शेल को क्लीन करना आसान है एज कम्पेयर टू क्लीनिंग दॉटर ट्यूब्स ठीक है वाटर ट्यूब्स में अगर ट्यूब्स uh, के अंदर से अगर वाटर फ्लो रहा है एट हाई टेम्परेचर वो स्केल को छोड़ रहा है तो उसमें ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज नेसेसरी तो इसका डीमिनरालाइजेशन करके ही वाटर सप्लाई करना पड़ता है इन केस ऑफ वाटर ट्यूब वॉयर एंड क्योंकि यहाँ पर कुछ लोड फ्लक्चुएशन वगैरह हैंडल करना नहीं पड़ता हैंडल होता भी नहीं है एक्चुअली और ज्यादा हाई प्रेशर पर ऑपरेट नहीं होता तो उसकी वजह से ज्यादा स्किल नहीं रिक्वायर रिक्वायरमेंट नहीं रहता ऑपरेट करने के लिए ऑन द अदर हैंड स्किल वर्कर इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशियंट ऑपरेटर बिकॉज वी नीड टू वी नीड टू एडजस्ट दप्लाई ऑफ वाटर एज पर डिमांड ऑफ द लोड ओके तो इसके लिए एफिशिएंट वर्किंग की जरूरत होती, होती है लेमंडलिंग बैकॉक एंडलर एक्सेट्रा ओके बस लास्ट थिंग में एक मिनट में फिनिश करूंगा फैक्टर्सिंगक्शन ऑफ बॉयलर सो कोई भी बॉयर को हम इस इन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर, कर सकते हैं कौन सा प्रेशर कौन से टाइप का बॉयलर हमको यूज करना चाहिए स्टीम जनरेशन रेट ऑफ द बॉयलर एंड वर्किंग प्रेशर अगर हमारा स्टीम जनरेशन रेट और वर्किंग प्रेशर की डिमांड हाई है तो हम यूज करेंगे वाटर ट्यूब नहीं तो हम यूज करेंगे फायर ट्यूब टाइप ऑफ फ्यूल यूज एंड इट्स रेट ऑफ बर्निंग ठीक है कौन से टाइप का फ्यूल यूज हो रहा है अभी हम जब कंस्ट्रक्शन वर्किंग वो सब भरेंगे बॉयलर के बारे में तो उसमें सब में अलग अलग फ्यूल यूज होता है कहीं पर कोल यूज होता है कहीं पर लिक्विड फ्यूल डीजल यूज होता है कहीं पर गैसियस फ्यूल भी यूज हो सकता है ठीक है तो उसके हिसाब से भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम टाइप ऑफ बॉयलर सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन से टाइप का फ्यूल अवेलेबल है ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है कौन से टाइप का फ्यूल अवेलेबल है हमारे पास तो उसके हिसाब से भी हम टाइप ऑफ बॉयलर सेलेक्ट करना पड़ता है देन वी हैव फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉयलर अगर ज्यादा स्पेस है हमारे पास तो वाटर ट्यूब यूज करेंगे कम स्पेस है तो फायर ट्यूब यूज करेंगे टाइप ऑफ लोड हमारे लोड की डिमांड कॉन्स्टेंट लोड की डिमांड है या फ्लक्चुएटिंग लोड की कॉन्स्टेंट लोड की डिमांड है तो फायर ट्यूब यूज कर सकते हैं बिकॉज उसके

ठीक है तो इस हिसाब से हमारा क्या था रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी हम सिलेक्शन ऑफ बॉयलर कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉयलर इफ एनी डाउट यू कैन आस्क